हेलो गाइस, मैं नीतीश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल यार पर। गाइस, आज का ये मेरा वीडियो यूट्यूब टिप्स से रिलेटिव है, तो अगर आप एक यूट्यूबर हो तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। जैसे कि आप लोग को पता होगा यूट्यूब के नए अपडेट के बारे में, अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट है, अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट से पैसे कमा रहे हैं या फिर कमाने वाले हैं, तो दोनों केस में आपको यहाँ पर टैक्स का जो फॉर्म है उसे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं करते हो तो आपको जो भी पैसे यहाँ से आप कमाते हो गूगल एडसेंस अकाउंट से, वो 24% टैक्स आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो सिर्फ और सिर्फ 15% ही देने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो फॉर्म को सबमिट कर दिया है। मेरे पास गूगल एडसेंस का 3 अकाउंट है, तो मैंने 2 में फॉर्म को सबमिट कर दिया, लेकिन तीसरा में जैसे ही मैं इस टैक्स फॉर्म को सबमिट कर रहा था तो बटन ही गायब है। अगर आपके भी गूगल एडसेंस अकाउंट से टैक्स का जो फॉर्म है उसे भर रहे हैं लेकिन वहाँ पे बटन हाइड है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो बटन है वो हाइड क्यों है और काफ़ी सारे लोगों को ये बटन दिखता क्यों है। आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण जो है ये बटन नहीं आ रहा है? देखो, आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बिल्कुल ही सेफ है। इस बटन का हाइड होने का कारण ये है कि जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किए थे, अगर आप एक ब्लॉगर हो या फिर आप एक यूट्यूबर हो, जब आप गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए जब एडसेंस के लिए अकाउंट बनाए थे इस ईमेल से, और बाद में जो है आपने इस ईमेल का जो गूगल एडसेंस अकाउंट था वो दूसरे जीमेल पे ट्रांसफ़र कर लिए हैं, जिनके कारण ये बटन जो है ये हाइड हो चुका है, तो आपके पास पहले वाला जीमेल आईडी का होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो। तो ये कारण है। चलिए मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ वीडियो में एक्शन बटन ला के। सो गाइस, ये है हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट technicalyard.com का। अब हम यहाँ पर ऊपर में होम के साइड में इस 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ पर पेमेंट्स के अंदर। उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे मैनेज सेटिंग्स में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, इस पर क्लिक कर देना। फिर ब्लू कलर में ये लिंक आ जाएंगे, तो फिर से आपको इस ब्लू लिंक पर क्लिक कर देना मैनेज टैक्स इन्फो पर। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है एरर आ जाएंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का जो टैक्स फॉर्म है वो तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐड टैक्स का जो इन्फो बटन है वही नहीं है। तो किस तरीके से इसे लाना है और किस तरीके से इस फॉर्म को सबमिट करना है, टैक्स देने से बचना है, अगर आपको भी बचना है तो वीडियो को ध्यान से देखे और जो भी मैं कह रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, आपने जब अपने YouTube चैनल के लिए एडसेंस जब बनाया था, उसके बाद उस ईमेल आईडी को चेंज करके और जिस भी ईमेल आईडी पे आपने अपने Google एडसेंस अकाउंट को लॉगिन किया है, वहाँ पर ये जो है मतलब कि टैक्स इन्फो बटन हाइड होंगे। लेकिन जो आपका पहले वाला जीमेल आईडी था, मतलब कि जिसे चेंज आपने नहीं किया था, जिससे आपने अप्लाई किया था और आपको अप्रूवल मिला था, उस ईमेल आईडी पे आपको चलना है। हम आ चुके हैं जीमेल पे और ये है हमारा वो ईमेल आईडी जिस पे मैंने अप्रूवल लिया था और उसे मैंने बाद में चेंज करके दूसरे वाले ईमेल आईडी पे कर दिया था। तो हम इस लोगो पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ पर आपको आ जाना है मैं देख सकते हैं पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस पे। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज पेमेंट मेथड्स में क्लिक कर देना है, देन ये लिंक में ओपन होंगे तो वेट कर लेना है आपको, और फिर से आपको जो है एक बार डेस्कटॉप साइड में ओपन करना है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे जो है हम डेस्कटॉप साइड में क्लिक कर लेते हैं, फिर से हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बगल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, आप इस पर क्लिक कर देना,
उसके बाद यहाँ पे आपके गूगल एडसेंस अकाउंट से रिलेटिव काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे जो कि मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहता। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, देख सकते हो साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स इन्फो का जो है बटन हमें इस ईमेल आईडी पे भी मिल चुका है, और साथ में हमें नीचे में वो ईमेल आईडी भी दिख रहा है जिस पे मेरा एडसेंस अकाउंट वगैरह ट्रांसफ़र है। ओके, तो यहाँ पे हम टैक्स इन्फो पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद मैनेज टैक्स इन्फो में आ जाएंगे, और उसके बाद फाइनली जो भी टैक्स का जो बटन है वो हमें यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऐड टैक्स इन्फो का जो बटन है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट करते हो तो वहाँ पे जो है फॉर्म जो है अपलोड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से इसका जो है सल्यूशन है, आप इस फॉर्म को सबमिट कर लेना। मैं आपको फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, टेक्निकल इसरार या फिर योगी जी का वीडियो आप देख लेना, उसने यूट्यूब पे बना रखा है, काफ़ी अच्छी वीडियो है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियो रोजाना अपने फ़ोन में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।